हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन लॉ वीटा। माय नेम इज़ आराध्या गुप्ता और आज हम लोग इस लेक्चर में ड्राफ्टिंग लीडिंग कन्वीयंसिंग का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन क्या है, इसको सबमिट करने का पर्पस क्या है, कौन कौन सबमिट कर सकता है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें होते हैं इंक्लूड, फॉर्मेट क्या होता है, कैसे एप्लीकेशन बनाई जाती है, कौन से कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इनफ सफिशियंट होगा, यूज़फुल होगा, प्लस आपकी बेसिक नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। ठीक है, शुरुआत करते हैं। इट इज़ एन एप्लीकेशन विच में बी मेड इट एनी टाइम आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। तो अभी सूट क्या है, सूट इज़ अ डॉक्यूमेंट और आई कैन से इट इज़ द इनिशिएशन ऑफ द सिविल प्रोसीडिंग्स, है ना। सिविल प्रोसीडिंग्स जो भी होती हैं किसी सिविल केसेस में, उसमें एक प्लेंट के माध्यम से सूट इनिशिएट किया जाता है, सूट इंस्टीट्यूट किया जाता है, जिसमें पार्टीज़ का नाम होता है, सब्जेक्ट मैटर मेंशन होता है, क्लेम क्या कर रही है पार्टी वो मेंशन होता है, रिलीफ क्या सॉर्ट कर रहे हैं फ्रॉम द कोर्ट, दीज ऑल द थिंग्स आर बीइंग मेंशन इन द सूट। तो यहाँ बोल रहे हैं कि एक ऐसी एप्लीकेशन जो कि किसी भी टाइम सबमिट की जा सकती है, किसी भी टाइम बनाई जा सकती है आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, मतलब कि जब पार्टीज़ ने सूट इंस्टीट्यूट कर दिया कोर्ट में, उसके बाद दे मे मेक दिस एप्लीकेशन ऑफ इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन, राइट। अब ये एप्लीकेशन है क्या, ये हम इसके पर्पस से समझ जाएंगे। पर्पस क्या कह रहा है, द पर्पस ऑफ सच एप्लीकेशन इज टू ऑब्टेन द इंटरमीडिएट ऑर्डर बिफोर फाइनल डिसीजन ऑफ द सूट। यहाँ कह रहे हैं कि जब कोर्ट जो है उस सूट में, उस पर्टिकुलर सिविल मैटर में अपना फाइनल डिसीजन देगी, अपना फाइनल जजमेंट देगी, उससे पहले जो एक इंटरमीडिएट ऑर्डर, यहाँ मैं कहूँ एक इंटरिम रिलीफ या इंटरमीडिएट रिलीफ जो सॉर्ट करते हैं, जिसको ऑब्टेन करने के लिए एन एप्लीकेशन इज़ मेड, एंड सच एप्लीकेशन इज़ द इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई मैटर किसी आई कैन से एक फ्रूट सेलर से रिलेटेड है, उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, और डिसीजन आने में अभी टाइम है। उस बीच में अब देर इज़ एन अर्जेंट नीड कि जो फ्रूट सेलर के पास जितने भी लेफ्ट ओवर फ्रूट्स हैं उनको इंस्टेंट सेल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो एक पैरिशेबल गुड है जो कि यू नो दैट कांट बी कैप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, जिसको हम ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते हैं, इट नीड्स टू बी कंज्यूम्ड। तो उस पर्पज़ के लिए जो फ्रूट सेलर है वो चाहे तो एप्लीकेशन डाल सकता है विद इन द कोर्ट कि फॉर वॉट, फॉर एन इंटरिम या इंटरमीडिएट ऑर्डर फॉर द सेल ऑफ द फ्रूट्स, द लेफ्ट ओवर फ्रूट्स विद द फ्रूट सेलर, ठीक है। तो इस तरीके की एप्लीकेशन ऑब्टेन करना इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन का यू नो पर्पस होता है, और यही इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन होती है टू ऑब्टेन द इंटरमीडिएट ऑर्डर्स। फाइनल डिसीजन आने से पहले पहले कोई ऐसी सर्कमस्टांस अराइज हो जाती है, कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है विद इन द केस जिसमें इमीडिएट एक्शन लेना इज़ नेसेसरी, और उसके लिए ऑर्डर जो हम ऑब्टेन करते हैं दैट इज़ बाय मेकिंग द एप्लीकेशन ऑफ इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन। This can be made by both plaintiff and defendant. ये जो application है ना, ये limited नहीं है कि plaintiff ही बना सकते हैं या defendant ही, नहीं, दोनों ही parties जो हैं ये application बना सकते हैं और submit कर सकते हैं before the decision of the court but after the institution of the suit. ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये की aspects हैं इसके, कि suit के institute होने के तो बाद आप इसको file करोगे, पर final decision से पहले, बिकॉज वी नीड द इंटरिम और इंटरमीडिएट ऑर्डर ना बिफोर द फाइनल डिसीजन, सो उसी से पहले ही होगा। अंडर CPC देर आर प्रोविजन्स फॉर टेम्प्ररी इंजंक्शन एंड इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स। ऑर्डर 39, रूल 6, 7 एंड 8 ऑफ CPC डील्स विद द प्रोविजन्स ऑफ इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स। तो CPC में ये सारे जो प्रोविजन्स हैं ये इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं, उसके प्रोविजन्स प्रोवाइड करते हैं, ये याद कर लो। ऑर्डर 39, रूल 6, 7 और 8, ठीक है। द कोर्ट मे बाय ऑर्डर ग्रांट अ टेम्प्ररी इंजंक्शन फॉर द पर्पस ऑफ स्टेइंग एंड प्रिवेंटिंग द वेस्टिंग, डैमेजिंग, एलियनेशन, सेल और अदर डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी और डिसपोजेशन ऑफ द प्लेंटिफ और कॉजिंग इंजरी टू द प्लेंटिफ इन रिलेशन टू एनी प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इन द सूट एज अ कोर्ट थिंग्स फिट अंटिल द डिस्पोजल ऑफ द सूट। बड़ी लंबी चौड़ी लाइन हो गई, पर बात बहुत सिंपल है जो अभी तक डिस्कस की, कि अगर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रॉपर्टी याद रखना विच इज़ इन डिस्प्यूट, विच इज़ इन रिलेशन इन डिस्प्यूट, जो कि डिस्प्यूट जो सूट हमने फाइल किया है, इंस्टीट्यूट किया है, जो डिस्प्यूट है मैटर का, उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके डिस्पोजल के लिए
कि वो डैमेज ना हो जाए या वो डैमेज हो रही है उसको वेस्ट या डैमेज होने से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, या कोई पर्सन उसकी यू नो उसको अजर्ब कर रहा है, उसको उस पर छीना झपटी कर रहा है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, या और भी किसी तरीके के डिस्पोजल से उसको प्रिवेंट करने के लिए, या फिर प्लेंटिफ को अगर जो है डिफेंडेंट प्रॉपर्टी में से डिसपोजेस कर रहा है, बेदखल कर रहा है या किसी तरीके की इंजरी कॉज कर रहा है उसको या उसकी प्रॉपर्टी को, तो ऐसे किसी भी सिचुएशन में, ऐसे किसी भी सर्कमस्टांसेस में फाइनल डिसीजन आने से पहले कोर्ट जो है ऐसी एप्लीकेशंस में टेम्प्ररी इंजंक्शन ग्रांट कर देते हैं बाय द इंटरलॉक्यूटरी या इंटरमीडिएट ऑर्डर कि ये प्रॉपर्टी सेल नहीं होगी या ये कि आप प्लेंटिफ को डिस्पोजेस नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके के टेम्प्रेरी इंजंक्शंस, रोकथाम के ऑर्डर्स जो हैं वो कोर्ट दे सकती है एज कोर्ट थिंक्स फिट, जैसे कोर्ट को ठीक लगे, अनटिल द डिस्पोजल ऑफ द सूट, अनटिल द फाइनल डिसीजन ऑफ द कोर्ट, ठीक है ना। तो ये गाइज हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया अबाउट द इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन और ऑर्डर्स, आई होप समझ में आ गया होगा। हाय गाइज, सो करंटली वी आर डिस्कसिंग हियर इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स। इन द पास्ट ऑल्सो वी डिस्कस सर्टेन अदर सब्जेक्ट्स, टॉपिक रिलेटेड टू ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, कन्वीनसिंग, एंड इन द कमिंग लेक्चर्स एज वेल वील बी डिस्कसिंग द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ एफिडेविट, हाउ द एफिडेविट इज मेड एंड वट आर द इनग्रीडियंट्स रिक्वायर्ड, हाउ द कंप्लेंट इज यू नो द डॉक्यूमेंट ऑफ कंप्लेंट इज फ्रेम्ड, हाउ द रिट्स आर फाइल्ड, हाउ द पिटीशन ऑफ रिट द ड्राफ्ट इज प्रिपेयर्ड। सो बेसिकली थ्रू द लॉबिटा लेक्चर्स वी जस्ट गेट द थियोरिटिकल इन्फॉर्मेशन दैट हाउ इट इज टू बी डन, but for getting the practical knowledge about all such sort of draft, how to frame them, what are the ethics required for making these draft, as being a law student as well as being a legal professional, it is very important to know the practical aspect of all such drafting skills. Aaj ki date mein aap chahe internship karte ho either in the court or under any legal firm, या फिर अगर आप ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद यू गो फॉर सम सर्च ऑफ यू नो लीगल जॉब्स, तो वहां पे द वेरी बेसिक थिंग दैट दे आस्क फॉर इज द प्रैक्टिकल नॉलेज अबाउट द ड्राफ्टिंग स्किल्स, लाइक द कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, द रिट फाइलिंग ड्राफ्टिंग, द इनकम टैक्स फाइलिंग, द जीएसटी रिटर्न्स फाइलिंग। तो इसके ड्राफ्ट कैसे बनते हैं, कैसे फाइलिंग होता है, तो वो प्रैक्टिकल एनालिसिस के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए देयर इज अ वेरी फेमस चैनल ऑफ लेबर लॉ एडवाइजर LLA, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड दे आर करंटली प्रोवाइडिंग मेनी सच कोर्सेज ऑफ रिलेटेड टू ड्राफ्टिंग एंड वेरियस अदर प्रैक्टिकल नॉलेज इन्फॉर्मेशन रिगार्डेड कोर्सेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बींग अ लॉ स्टूडेंट एज वेल। तो आई रियली वॉन्ट कि आप लोग उन कोर्सेज की इन्फॉर्मेशन को गो थ्रू करें, एंड आई रियली वॉन्ट कि आप लोग किसी ना किसी विच एवर इज द इंटरेस्ट ऑफ योर नॉलेज, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो नॉलेज लेने का, आप उस कोर्स में इनरोल करें। लिंक जो है उन सभी कोर्सेज के वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड देर इज अ कोड दैट इज LAWVITA10, हमारा एक कोड है, अगर आप उसको यूज करेंगे सो यू विल गेट अ 10% डिस्काउंट, सो इट विल बी अ बम्पर फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। थियोरिटिकल इन्फॉर्मेशन, थियोरिटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज इज एक्सट्रीमली एंड इक्वली इंपॉर्टेंट। सो जस्ट विजिट द लिंक्स, चैनल का लिंक, कोर्सेज का लिंक प्लस कोड, दोनों तीनों चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई होप दे विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच। Just listen the lecture forward. अब वैकेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन की, इस ये जो कोर्ट ऑर्डर देते हैं इंजंक्शन के, वो कब वैकेट हो सकते हैं, मतलब व्हेन दे कैन बी फ्री, व्हेन दे कैन बी रिलीज्ड। सो ऑर्डर 39 रूल 4 ऑफ CPC सेज दैट एनी ऑर्डर फॉर इंजंक्शन मे बी डिस्चार्ज और वेराइड और सेट असाइड बाय द कोर्ट ऑन एप्लीकेशन मेड बाय एनी पार्टी डिससेटिस्फाइड विद सच ऑर्डर। ऑर्डर 39 जो है और रूल 4 जो है CPC का, वो कहता है कि कोई भी जो ऑर्डर कोर्ट ने दिया है फॉर एनी इंजंक्शन इन अ पर्टिकुलर केस, वो डिस्चार्ज हो सकता है, वो सेट असाइड हो सकता है बाय द कोर्ट, कि अगर कोई ऐसी पार्टी एप्लीकेशन करती है उस ऑर्डर के अगेंस्ट हु इज़ डिससेटिस्फाइड विद सच ऑर्डर। मतलब कोर्ट ने फॉर एग्जांपल ऑर्डर दिया कि ये प्रॉपर्टी जो है ये अभी सेल नहीं होगी, ठीक है, मतलब अर्लियर किसी ने एप्लीकेशन डाला था इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन कि देर इज़ अ नीड कि यह प्रॉपर्टी जो है वो सेल कर दी जाए फॉर इट्स बेटरमेंट और फॉर द बेनिफिट ऑफ दी पार्टीज, लेकिन लेटर, अब फिलहाल तो कोर्ट ने उसमें डिसीजन दे दिया, ऑर्डर दे दिया इंटरमीडिएट ऑर्डर, लेकिन लेटर और एक पार्टी जो डिससेटिस्फाइड थी उसने अपने ग्राउंड्स पेश किए, अपने रीजंस दिए, और अगर कोर्ट को ठीक लगता है तो कोर्ट वो जो उन्होंने इंटरमीडिएट ऑर्डर दिया था, वो जो इंजंक्शन लगाया था अबाउट द प्रॉपर्टी, वो उसको रिमूव कर सकते हैं या उस ऑर्डर को सेट असाइड कर सकते हैं।
इफ इन एन एप्लीकेशन फॉर टेम्पररी इंजंक्शन अ पार्टी मेक्स नोइंगली अ फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू अ मटीरियल पर्टिकुलर एंड इंजंक्शन वॉज ग्रांटेड विदाउट गिविंग नोटिस टू द ऑपोजिट पार्टी द कोर्ट शैल वैकेट द इंजंक्शन. और दूसरी कंडीशन है कि अगर किसी पार्टी ने यू नो एप्लीकेशन की कोर्ट में फॉर टेम्पररी इंजंक्शन कि इन द मैटर ऑफ डिस्प्यूट जो भी है उसमें टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट कर दें कोर्ट, और उन्होंने जो फैक्ट्स दिए, उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए वो नोइंगली जानबूझ के फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स प्रेजेंट किए बिफोर द कोर्ट, ठीक है, इन रिलेशन टू दैट पर्टिकुलर मटीरियल जिसकी बात चल रही है या जिसके कंटेक्स्ट में उन्होंने इंटरमीडिएट ऑर्डर मांगा था, ठीक है, और कोर्ट ने बिना ऑपोजिट पार्टी को नोटिस दिए वो इंजंक्शन ग्रांट कर दिया इन दैट पर्टिकुलर केस. तो जैसे ही कोर्ट को पता चलता है दैट द स्टेटमेंट्स मेड बाय द एप्लीकेंट पार्टी वर फॉल्स एंड मिसलीडिंग देन एंड देयर कोर्ट शैल वैकेट सच इंजंक्शन. तो कोर्ट जो है ऐसे इंजंक्शन ऑर्डर को सेट असाइड कर देंगे या फिर वैकेट कर देंगे, है ना. इसमें एक बहुत ही अच्छा केस है दैट आई हैव मेंशनड हियर विच इज़ अरविंद कुमार पाल वर्सेज हाजी मोहम्मद फैजुल्ला खान 2007. So one who seeks equitable relief under Order 39, Rule 6 is also required to come with clean hands and not suppress the material facts. यहाँ पे कोर्ट ने बोला था कि जो भी पर्सन एक इक्विटेबल रिलीफ यू नो सीक कर रहा है और या फिर उसकी डिमांड कर रहा है अंडर दिस पर्टिकुलर ऑर्डर 39 रूल 6, दैट इज कि ही इज यू नो making an application for some temporary injunction or for some intermediate orders. So he needs to come with clean hands. He doesn't supposed to make any false or misleading statements. And also he is not supposed to suppress any material facts. आपको खुद से बिल्कुल clean hands, बिल्कुल ठीक आना होगा, आपको बिल्कुल fair होके आना होगा, आप court को mislead नहीं करोगे. अगर किया और क्योंकि पता चल जाएगा लेटर ऑन इफ एनी अदर पार्टी यू नो मेक्स द एप्लीकेशन अगेंस्ट सच ऑर्डर जो कि पहले कोर्ट ने दे दिया था उस मिसलीडिंग एप्लीकेशन के थ्रू, तो वहाँ पे कोर्ट ऐसे ऑर्डर्स को वैकेट कर देगी और उसके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जा सकता है, राइट. सो इफ यू आर मेकिंग द एप्लीकेशन यू नीड टू कम विद अ क्लीन हैंड्स. सो दिस वॉज हेल्ड इन दिस पर्टिकुलर केस. आगे बढ़ते हैं. वट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन. So the provision of temporary injunction and interlocutory order safeguard the interest of parties as the final disposal and decision of a suit takes considerable time. तो यहाँ बोल रहे हैं कि ये interlocutory application करने का जो purpose है, जो objective है, या temporary injunctions grant कराने का जो objective है, that is कि final decision आने में देर लगती है, it takes considerable time. तो उससे पहले अगर यू नो कहीं ना कहीं किसी रीज़न से ड्यू टू यू नो द एक्सटेंशन ऑफ टाइम पार्टीज़ का कोई इंटरेस्ट हिंडर हो रहा है या अफेक्ट हो रहा है तो उसको सेफगार्ड करने के लिए ये जो प्रोविज़न है ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है. एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड द इमीडिएट रिलीफ बिफोर द फाइनल डिसीजन ऑफ द सूट दीज प्रोविजंस आर अवेलेबल टू द पार्टीज़. और दूसरा वही कि पार्टीज़ को इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है विच हैव बीन प्रोवाइडेड थ्रू द प्रोविजंस ऑफ सीबीसी टू द पार्टीज, राइट. तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा. इट्स ईजी, इट्स सिंपल. अब हम लोगों ने बताया था कि ऑर्डर 39 के साथ साथ सीपीसी में रूल 6, 7, 8 भी इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन की बात करते हैं. तो रूल 6 का कहता है पावर टू ऑर्डर द इंटरिम सेल. सो द कोर्ट मे ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी टू अ सूट ऑर्डर द सेल ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी बिफोर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट बाय एनी पर्सन एंड इन एनी मैनर एज थिंग्स फिट विच इज सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डीके लाइक पैरिशेबल गुड्स और फॉर एनी अदर जस्ट एंड रीजनेबल कॉज. इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको फ्रूट्स वाला दिया था. इस प्रोविजन में सीपीसी कहता है कि कोर्ट जो है अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी ऑफ अ सूट ऑर्डर कर सकते हैं यू नो इन द इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन कि कोई भी एक मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि यू नो विच इज सब्जेक्ट टू स्पीडी डीके मतलब उसको लग रहा है कि ये जल्दी ख़राब हो सकती है यू नो उसमें तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है, उसको तुरंत सेल करने की ज़रूरत है लाइक द पैरिशेबल गुड्स द फॉर एग्जाम्पल द एडिबल आइटम्स, ठीक है. तो उसको सेल करने का ऑर्डर कोर्ट दे सकती है विद इन दिस एप्लीकेशन, ठीक है, थ्रू द इंटरिम ऑर्डर्स. और जिस ढंग से कोर्ट को लगे उस मैनर में और जिस पर्सन को कोर्ट को लगे वो उस मैनर में और उस पर्सन को वो सेल कर सकते हैं. ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम द पैरिशेबल गुड्स अगर कोई और मूवेबल प्रॉपर्टी है एंड कोर्ट थिंग्स फिट इन कंटेक्स्ट ऑफ द नेचुरल जस्टिस द रीजनेबल कॉज तो उस वजह से भी वो उसको और उसके सेल का ऑर्डर दे सकती है, राइट. नेक्स्ट इज रूल 7.
detention, preservation, inspection, etc. So the court may, on the application of any party to a suit, make the order for detention, prevention, inspection of any party which is subject matter of such suit. कि अगर किसी person ने application किया है within these provisions of CPC, तो court जो है order कर सकती है किसी person को detain करने का in the suit, किसी person को preserve करने का या किसी person को inspect करने का जो कि उस suit का subject matter है. For example, अगर एक person in the case dispossess कर रहा है प्रॉपर्टी से दूसरे पर्सन को, तो जो पर्सन उसको इंजर कर रहा है, परेशान कर रहा है, डिस्पोजेस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, उस पर्सन के अगेंस्ट डिटेंशन ऑर्डर दे सकती है, या जो पर्सन सफरर है उस पर्सन की प्रिजर्वेशन का ऑर्डर दे सकती है कोर्ट विद इन द केस. ऑल्सो इट मे ऑथराइज एनी पर्सन टू एंटर इन टू एनी लैंड और बिल्डिंग इन द पोजेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी. और किसी भी पर्सन को किसी ऐसी प्रॉपर्टी में एंटर करने के लिए ऑथराइज कर सकता है जो कि पोजेशन में है ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. एंड मे ऑथराइज एनी सैंपल टू बी टेकन और एनी ऑब्जर्वेशन टू बी मेड और एनी एक्सपेरिमेंट टू बी ट्राइड विच इज़ नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग द फुल इंफॉर्मेशन ऑफ एविडेंस. और इसके साथ साथ कोर्ट जो है ऑर्डर दे सकता है दैट इट मे ऑथराइज कि किसी भी चीज़ का सैंपल लिया जा सकता है इन द केस, किसी भी चीज़ की ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है, किसी भी चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है जो कि नेसेसरी है किस पर्पस से, फॉर डिराइविंग और फॉर ऑब्टेनिंग द फुल इंफॉर्मेशन और द प्योर और ओरिजिनल और बेस्ट एविडेंस इन द रिस्पेक्टिव केस. ठीक है, तो ये भी ऑर्डर्स जो है वो कोर्ट दे सकती है इफ़ अ पर्सन मेक्स एन इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन. नेक्स्ट रूल 8. सो इट कंटेन द प्रोविजन्स फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स अंडर रूल 6 एंड रूल 7. रूल 8 जो है ये बताता है कि प्रोविज़न है कि रूल 6 और रूल 8 के तहत कोई भी पर्सन जो है वो एप्लीकेशन कर सकता है, एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है विद इन द कोर्ट फॉर सच इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स जो कि प्रोवाइडेड हैं रूल 6 और रूल 7 में. हमने पढ़ा रूल 6 में था सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और रूल 7 में था डिटेंशन, प्रिजर्वेशन, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन एट्सेट्रा, है ना. ऑल्सो द कोर्ट में पास द इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर दो द क्वेश्चन ऑफ जुरिस्डिक्शन हैज़ नॉट येट बीन डिसाइडेड. इसमें ये भी बोल रहे हैं कि हो सकता है भले ही अभी तक कोर्ट का जुरिस्डिक्शन डिसाइड ना हुआ हो द क्वेश्चन ऑफ जुरिस्डिक्शन की वेदर कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है उस केस को डील करने का या नहीं, उस क्वेश्चन को डिसाइड करने से पहले भी कोर्ट जो है, जो रिस्पेक्टिव कोर्ट है, वो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर पास कर सकते हैं विद इन द पर्टिकुलर केस. ठीक है, तो गाइज ये सारे प्रोविजंस थे, ये सारे कॉन्सेप्ट्स थे इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन के और इंटरिम ऑर्डर्स के जो कि कोर्ट करते हैं आफ्टर रिसीविंग दी इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन. ठीक है, अब हम लोग कुछ मॉडल फॉर्म्स देख लेते हैं. दीज आर बेसिकली दी इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन, उसी के फॉर्म हैं ये. ठीक है, सो दिस विल गिव यू एन आइडिया कि कैसे एक रियल ड्राफ्ट प्रेजेंट किया जाता है इन द कोर्ट ऑफ इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन. आई विल जस्ट टेल यू कि क्या फॉर्मेटिंग होता है, पहले क्या लिखा जाता है, फिर क्या लिखा जाता है एंड सो ऑन. सो इनिशियली आप टॉपिक लिखोगे कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आप ये एप्लीकेशन क्यों कर रहे हो. ठीक है ना, ऑल्सो प्रोविजन नंबर भी लिखोगे आप. देन आप किस कोर्ट में उस एप्लीकेशन को प्रेजेंट कर रहे हो, सो हेयर इन द कोर्ट ऑफ सिविल जज सीनियर डिवीजन एट कुरुक्षेत्र. फिर आपकी ये आपको पता वहाँ पे पता चल जाएगा थ्रू द लीगल ऑफिसर्स कि आपकी एप्लीकेशन नंबर कौन सी है ऑफ द पर्टिकुलर ईयर जिस ईयर में वो एप्लीकेशन की जा रही है और सूट नंबर क्या है आपका, तो सूट नंबर उसके नीचे आ जाएगा. उसके बाद सबसे पहले एप्लीकेंट का नाम आएगा जिन लोगों ने ये एप्लीकेशन फाइल की है वर्सेस फिर सामने वाली जो पार्टी है, जो डिफेंडेंट पार्टी है, उसके बाद उसका नाम आ जाएगा. फिर अगेन एप्लीकेशन फॉर इम्पीडिंग द लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिसीज श्री रवि कुमार प्लेंटिव. इसमें यह है कि जो प्लेंटिव था अब उसकी डेथ हो गई है तो उसकी जगह पे उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को इम्प्लीड करने का अलाउंस मिले. ठीक है, ही शुड बी मेड द प्लेंटिव इन द पर्टिकुलर केस, उससे रिलेटेड ये एप्लीकेशन की गई है तो हमने उसका सब्जेक्ट मैटर लिखा. अब आगे यहाँ पे हम एप्लीकेशन के की पॉइंट्स लिखेंगे. सर द एप्लीकेंट मोस्ट रिस्पेक्टली स्टेट्स कि एप्लीकेंट क्या स्टेट कर रहा है. अब जैसे मैं इसको रीड कर देती हूँ. पहला द प्लेंटिव हैज़ एक्सपायर्ड ऑन दिस डेट. पहले ये बोला कि जो प्लेंटिव था इस केस में उसकी डेथ इस डेट को हो गई. दैट द राइट टू सू सर्वाइव इन द फॉलोइंग लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज विच मे बी इम्प्लीडेड एज प्लेंटिव टू द इन द सूट. तो अभी जो है जो राइट टू सू है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास आ जाता है रिस्पेक्टिवली. और वो कौन है, वो यहाँ पे नेम मेंशन कर दिए हमने कि सन है और वाइफ है. राइट, इट इज़ देयरफॉर प्रेड दैट द अबव नोटेड लीगल हेयर ऑफ द डिसीज प्लेंटिव
मे बी अलाउड टू बी इम्प्लीटेड एज प्लेंटिव इन द अबव सूट। तो उन्होंने बोला कि अब क्योंकि प्लेंटिव की डेथ हो गई है और जो है जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास है राइट टू सू दिस सर्वाइव सच राइट, तो अभी ये प्रे किया जाता है इस एप्लीकेशन के माध्यम से दैट जो लीगल हेयर्स हैं जो वाइफ और सन हैं उसको अलाउ किया जाए टू बी इम्प्लीटेड एज अ प्लेंटिव इन द रिस्पेक्टिव सूट। ठीक है ना, ये हमने अपनी बात कह दी कि हम ये एप्लीकेशन क्यों फाइल कर रहे हैं, हमने इसके रेलेवेंट फैक्ट्स बता दिए। अब लास्ट में हमने लिखा इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस क्या है, डेट क्या है, एप्लीकेंट्स के नाम मतलब सिग्नेचर होंगे यहाँ पे, नाम तो ऊपर आ गए हैं, और लास्ट में वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्टली सभी ड्राफ्ट में होता है। वेरिफिकेशन हम लिखेंगे कि आई डू हेयर बाय वेरीफाई दैट द कॉन्टेंट ऑफ ऑल द पैराग्राफ आर ट्रू टू द नॉलेज एंड बिलीव ऑफ मी, नथिंग हैज़ बीन कंसील्ड देयर इन, कि जितना भी हमने ऊपर मेंशन किया है पैराग्राफ में कॉन्टेंट्स वो सब मैंने वेरीफाई कर लिए हैं और मेरी जानकारी से बिल्कुल सच हैं, सही हैं, दैट ट्रू टू माई नॉलेज एंड बिलीव, और कोई भी फैक्ट जो है कोई भी मटीरियल फैक्ट जो है इसमें छुपाया नहीं किया नहीं गया है, नथिंग हैज़ बीन कंसील्ड देयर इन, और अगेन प्लेस डेट और एप्लीकेंट्स के सिग्नेचर। ठीक है, और लास्ट में आपके एडवोकेट के सिग्नेचर भी आ जाएंगे। तो गाइज ये देखो बहुत सिंपल सा था इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन का फॉर्मेट, ध्यान से एक बार और देख लो आप लोग। ठीक है, इसी तरीके से ये दूसरा फॉर्म भी है, इसमें भी सेम है वही वाली बात कि पहले आपका सब्जेक्ट मैटर आया, फिर आपने प्रोविजन का नंबर लिखा, फिर आपने कोर्ट में किस किस कोर्ट में आप प्रेजेंट कर रहे हो उस कोर्ट का नाम लिखा, एप्लीकेशन नंबर लिखा, फिर सूट नंबर लिखा, एप्लीकेंट्स का नाम या प्लेंटिव का नाम, उसके बाद डिफेंडेंट का नाम, फिर अगेन सब्जेक्ट मैटर लिखा, फिर आप यहाँ पे अपने फैक्ट्स लिखोगे। ठीक है, जो भी आप कंटेंट कर रहे हो, राइट, एट द एंड लास्ट में आप प्लेस डेट और सिग्नेचर और वेरिफिकेशन दे देना। ठीक है ना, इसी तरीके से ये है एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एन एक्स पार्टी डिग्री, कोर्ट ने एक्स पार्टी डिग्री दे दी थी तो एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन फाइल की है उस एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड करने के लिए, तो वो भी बिल्कुल सेम फॉर्मेट है। देखो पहले सब्जेक्ट मैटर लिखा है, फिर प्रोविजन का नंबर, फिर कोर्ट का नाम, ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन नंबर, सूट नंबर, फिर एप्लीकेंट का नाम। यहाँ पे आप देखो जरूरी नहीं कि पहले प्लेंटिव का ही नाम आएगा, मैंने बोला पहले एप्लीकेंट का नाम आया, और मैंने बताया था कि ये एप्लीकेशन जो है प्लेंटिव भी फाइल कर सकता है और डिफेंडेंट भी फाइल कर सकता है, तो देखो यहाँ पे इसीलिए पहले डिफेंडेंट का नाम आया है और फिर प्लेंटिव का नाम आया है, राइट। फिर अगेन वी हैव एक्सप्लेन द सब्जेक्ट मैटर और फिर यहाँ पे अपने रेलेवेंट फैक्ट्स लिख रहे हैं, यहाँ पे हम प्लेस डेट और सिग्नेचर लिख रहे हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे लास्ट में एक और फॉर्म मैंने अटैच कर दिया है। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट पूरा हुआ विद एप्लीकेशन विद फॉर्मेट ड्राफ्ट, मैंने आप लोगों को बताया एंड आई बिलीव आप लोगों को समझ में आया होगा एंड आई डोंट थिंक कोई डाउट बचा है, फिर भी बचा है तो डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन, वी विल सॉल्व इट आउट टुगेदर। मोर वीडियोज आर अबाउट टू कम वेरी सून एंड ऑल्सो प्लीज़ लेट मी नो विच एल्स सब्जेक्ट विच एल्स टॉपिक यू वॉन्ट मी टू मेक द वीडियोज अपॉन, और इन सभी टॉपिक के वीडियोज़ के नोट्स के लिए आप लोग DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पेज पे, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर इंस्टाग्राम पे नहीं है तो हमारे ईमेल ID पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, विल रिवर्ट यू बैक एज सून एज पॉसिबल। सो दिस वॉज इट एवरी वन, टेक केयर ऑफ यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।